आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रम में लिया भाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को प्रातः 9:30 बजे से सरयू नदी के बाढ़ प्रभावित जनपदों गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा एवं बाराबंकी का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बुधवार को इस्लामिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छत गिरने से हुई घटना पर कहा कि घटना में 2 व्यक्तियों को किया गया रेस्क्यू, एक की मौके पर हो गई मौत, दूसरे का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम किया गया है गठित। रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्यवाही। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण के आदि संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी की 130वीं जयंती पर सीएम योगी ने दी उन्हें शब्दांजलि। कहा, विचार एवं आचरण में समभाव रखने वाला ही सच्चा धार्मिक सनातन धर्म संस्कृति के प्रति समर्पित रहा है भाई जी का जीवन। छह वर्ष के बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में अभियुक्त अनिल को बेलघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहृत बच्चे व मोबाइल को किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। जीडीए के नवागत उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, चल रहे विकास कार्यों को समय से पूरा करवाना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। गौड़ व गौड़ जातियों के उप जातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बदलते मौसम में बड़े विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के रोगियों की संख्या। सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, छोटी छोटी सावधानियों से निश्चित रूप से बच सकते हैं विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से। 7 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा दस्तक अभियान। और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जल संरक्षण व जल संचय के प्रति जागरूकता अभियान के तहत भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया की अध्यक्षता में जल ही जीवन विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। सभी ने जल संरक्षण का लिया संकल्प।